और अभी जो जाल है वो उन्होंने बांध लिया है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। तो कल मौसम सही रहा तो कल ही हमारी छत पड़ने वाली है। तो बाइक पे जो मैं एंगल लेके जा रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ गई है। ये जो बंधा हुआ था ये टूट गया है। दर्शनदुल्ला वो रखे हैं। अरे क्या है, तो तू गो जा रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पर रहूँ। तो माँ को कल सुबह सुबह 100 रोटी बनानी है, वो भी कम से कम अगर 5 खाएगा कोई तो। गर्जना कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। ये वाला इतना बड़ा पत्थर माँ अपनी पीठ में 2 किलोमीटर दूर से लेके आई थी। कह रहे हो उस टाइम, सोचो जरा। कल तो छत है तुम्हारी, छत है पर टेंशन बहुत ज्यादा है बारिश की। जय श्री केदार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत सीधे मोटो ब्लॉग सेटअप से और अगस्त्य महाराज ऋषि की तपस्थली अगस्त मुनि से हो रही है। और नीचे आप देख सकते हैं तो ये है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी आजकल काफ़ी उफान पे है क्योंकि केदार घाटी में काफ़ी बारिश हो रही है। बस हमारे ही यहाँ आजकल बारिश नहीं हो रही है, जबकि बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि हमारा काम चल रहा है। और सामने आपको दिखाऊं तो सामने महर्षि अगस्त्य ऋषि जी की एक प्यारी सी पेंटिंग भी बना रखी है। और ये जो एरिया है ये है पुरानी देवल का एरिया। तो जो अपनी बाइक है वो कल रात को मैंने यहाँ पर पार्क कर दी थी, बाकी थोड़ा धूल धूल में ख़राब हो गई है। हैं और सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? हाँ बस बढ़िया है सब। आ गया था मैं कल शाम को, यहाँ खमोली चलते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ अभी अगस्त मुनि से अपने गांव खमोली के लिए। और वहाँ सुबह ही चले गई थी 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि मैंने आपको बताया था टीचर लोगों की गाड़ी जाती है, तो वहाँ उसी में गांव चले गई है। तो मेरा थोड़ा काम था तो मैं इसीलिए लेट जा रहा हूँ। और यहाँ पर भी मेरा कुछ काम है, देखते हैं हो पाता है। तो अगस्त मुनि में मेरे जितने भी काम थे वो सारे काम मैं निपटा चुका हूँ और चल पड़ा हूँ अपने गांव की रोड पे। और मेरा जो काम था वो लोहे का एक एंगल बनवाना था क्योंकि छत पे वो डालना है बल, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गई। लगभग 1 घंटा मुझे वहाँ पर लगा क्योंकि लाइट का बड़ा लफड़ा चल रहा है आजकल, तो लाइट आई नहीं, थोड़ा काम हुआ था लाइट गई और सीधे 1 घंटे बाद आई। लेकिन चलो अपना काम हो गया, उसी बात की खुशी है। बाइक पे जो मैं एंगल लेके जा रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ गई है। ये जो बांधा हुआ था ये टूट गया है, तो इसको फिर से कस के बांधना पड़ेगा। कहीं कहाँ बांधा जाए, आगे के लिए पीछे के लिए? तो चलो बांधने के लिए फिर से मैंने बांध लिया है। दिक्कत तो थोड़ा बहुत हो रही है लेकिन क्या करें, घर बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी चलेगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गणेश जी, ओहो सावा 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 आरो गाड़ा तुम। दोस्तों 11:30 अभी हो रहे हैं और
अब जाके मैं पहुंच रहा हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और जो कभी का एंगल बनवाया था तो वो कुछ ऐसा है, एल यहाँ से है और ऐसे ही एल पीछे से भी है। और इसका क्या यूज होने वाला है वो आगे वीडियो में आपको बता देंगे। और आज अगस्तमुनी में जब मैं सुबह उठा था ना, ऐसा मौसम हो रखा था, काले डरावने बादल आसमान में थे, लग रहा था अभी बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही दिन आगे बढ़ा वैसे ही मौसम भी पूरा चेंज हो गया है और चमचमाती वाली धूप लग गई है। तो आज भी हमारे यहाँ मिस्त्री लोग जा रखे होंगे तो वो काम कर रहे होंगे, तो हो सकता है कल या परसों में छत पड़ जाए। लेकिन जब तक पड़ी नहीं तब तक क्या बोल सकते हैं, मौसम तो बिल्कुल साथ दे रहा है। इंद्रदेव के पास जो दूसरी अर्जी लगाई थी वो भी सफल रही, कल भी बारिश नहीं आई और आज ही मौसम टकाटक। तो तेज़ धूप में चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं अपनी नई मकान वाली जगह पे। और जैसे ही यहां पर पहुंचा तो आज भी यहां पर तोड़ फोड़ का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। जो हमारा ये वाला कमरा था गौशाला का, वो भी आज पूरा तोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां से लकड़ी निकालनी है, वो लकड़ी चाहिए वाला आज ही आज। और भाई साहब देखो कितना बड़ा पत्थर जिसको पठाव बोलते हैं वो नीचे गिरा रहे हैं। ये धड़ाम ये धड़ाम, ओ तेरी, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर है। और यहाँ पर 2 किलोमीटर माँ है, माँ सुबह ही पहुँच गई यहाँ पे। और इधर बापू जी, हेलो भाई, ठीक हो? बढ़िया है, आनंद आ रहा है आपकी दुआ से। बढ़िया, हमारी दुआ से तो क्या होना, पर आपकी दुआ से हम हो सकते हैं ठीक। ये वाला इतना बड़ा पत्थर माँ अपनी पीठ में 2 किलोमीटर दूर से लेके आई थी। कह रहे हो उस टाइम, सोचो जरा, इसीलिए घुटने खत्म है, सही बात। उस टाइम पे इतना काम किया, अभी भी करी रही है। तो सोचो इतना बड़ा पत्थर पीठ में लाना कोई आम बात है नहीं, आम इंसान भी नहीं बोल सकते हम आपको। और इधर अपने भाई साहब जो कि इतने बड़े पत्थर को नीचे गिरा रहे हैं, ये भी कोई आम इंसान नहीं है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ अंदर, तो यहाँ का ये वाली लकड़ी निकालनी है और अंदर सीमेंट भी भरा हुआ है। तो कल छत पड़ने वाली है तो घर जाने की फुर्सत नहीं है, मैं अपनी नई मकान से ही अनुष्का लोगों के मकान पे सीधे जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब जो लकड़ी के टेकर यहाँ पे थे वो लेके जा रहे हैं। तो घर जाके अगर जाऊँगा तो फिर टाइम लग जाएगा, इसीलिए अभी घर जाने से अच्छा मैंने सोचा टेकर ही लेके चलता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं आ रखा हूँ बल्कि भाई साहब के साथ साथ यार देखो बापू जी भी आ गए, पहलवान बापू जी। आना ही पड़ता है ना। तो अभी जो टेक थे और जो कड़ी थी उनको लेके हम पहुंच चुके हैं अपनी नए मकान तक। और ये कड़ी कुड़ी यहाँ पर रखी हुई है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सेटिंग करने का काम है वो भी आज लगातार हो रहा है। कल यहाँ पर जो टिन है वो बिछाए हैं, साथ में साइड में तख्ते लगाए हैं और आज यहाँ पर सरिया का जो जाल है वो बांधा जाएगा। फिलहाल माँ चाय लेके आ चुकी है तो अभी चाय का आनंद लेते हैं। पर अपनी माँ के हाल देखो, चाय ले आई और चीनी डाली, अब डाल रही है ऐसे चीनी ऊपर से।
तो अभी आ चुका हूँ मैं घर और स्क्रीन पे देखिए खाना तैयार है और खाने में एक बार फिर पहाड़ का स्वादिष्ट साग चौंसा है, उसके साथ लाल चावल वाला भात और यहाँ पर अचार। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और जिस चीज़ का डर आज हमको सता रहा था वही हुआ। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी आज पूरी तैयारी हो जाती है सेटरिंग की तो उसके बाद कल हमारी छत पड़ जाएगी, लेकिन इंद्रदेव जी को ये मंजूर नहीं है। आज उन्होंने हमारी जो अर्जी है वो खारिज कर दी है, एक्सेप्ट नहीं की है। तो अभी बारिश शुरू हो गई है और बारिश के साथ साथ आसमान में बहुत तेज़ वाली गर्जना भी हो रही है और बहुत तेज़ तेज हवा भी हो रही है। गर्जना कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही है, तो अभी बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश आ रही है और बारिश के साथ हवा भी मैं बोल रहा हूँ हो रही है। तो अगर ये हवा तेज़ होती ना तो हवा के कारण शायद बारिश टल जाती और बादल इधर उधर उड़ जाते। ये आप देख सकते हैं बारीक वाली बारिश लगी हुई है और यही बारिश बड़ी खतरनाक होती है, मानसूनी बारिश इसी को हम बोलते हैं, गढ़वाली में हम बोलते हैं बस कई बरखा। और यहाँ देखो माँ भी बाहर निकल गई, बाहर पे बहुत कपड़े थे, क्या करें अब बारिश आ गई। लगा ले जरा अर्जी इंद्रदेव से, अर्जी तो उस दिन से लगा रहे हैं कि आज बारिश ना आए बारिश ना आए, तो उस दिन से तो काम चल रहा था क्या, पर आज अब मेन पॉइंट आ गया, कल छत डालने की पूरी पूरी तैयारी थी, जो मसाला मिला हुआ उसमें ये तिरपाल डाल दो, तिरपाल डाल देंगे वहाँ, टेंट डाल देंगे ओ मिस्त्री लोग। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमारी उम्मीद भी अभी टिकी रहेगी कि बारिश थोड़ा बहुत अभी आए, लेकिन जो सेटरिंग का काम है वो लगभग पूरा होने वाला होगा। तो अगर वो हो जाएगा तो कल अगर मौसम थोड़ा सही रहता है तो छत तो कल डाल ही देंगे, क्योंकि मौसम का उसके बाद भरोसा नहीं है, काफ़ी दिन से बारिश नहीं आई है ना। अब बारिश अगर आएगी तो बहुत तेज़ आने वाली है और कुछ दिनों तक आने वाली है, इसीलिए आज और कल टल जाती तो मज़ा ही आ जाता। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और कुछ टाइम पहले बारिश ने और आसमान ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, क्योंकि आसमान में गर्जनाएं हो रही थी और बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बारिश उड़ के कहीं और चले गई है और यहाँ मौसम एकदम प्यारा हो गया है। ये आप देख सकते हैं आसमान पूरा नीला दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े बादल हैं लेकिन ऐसे डरावने बादल नहीं हैं जो हमको डरा पाए। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर सब मिस्त्री लोग लगे हुए हैं जो सरिया का जाल है वो बांधने पे, क्योंकि आज ये काम पूरा कंप्लीट करना है, कल के भरोसे रहे तो कल छत पड़ेगी या बांधेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब काफ़ी लेट हो जाएगी, इसीलिए आज ये जाल बांधने का काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा तो कल सीधे छत डालने के लिए होता है, तो काम जल्दी निपट जाएगा क्योंकि मौसम का भरोसा तो कर नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी साफ मौसम क्यों ना हो जाए, पहाड़ों में पल भर में मौसम बदल जाता है। तो हमेशा ही बोलता हूँ पहाड़ों में मौसम का कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो सामने लंगूर आ रखे हैं, तो भाभी उन लंगूरों को भगाने के लिए जा रखी हैं और वो लंगूर देखो बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा उस पर, तो और कभी कभी तो वो खूब दौड़ाते हैं इंसान को, मैंने आपको कई बार बताया है, पर आज अच्छा है वो डर रहे हैं, नहीं तो वो इंसान को ऐसा दौड़ाते हैं। वो देखो चले गए ऊपर और खेल देखने के लिए, यहाँ नीचे देखो आरुषि डुग्गू खुशी चाची साहब लोग देख रहे हैं कि भाभी को वो भगाएगा या नहीं भगाएगा। वो देखो ऊपर थोड़ी मुंडी दिख रही है उसकी, ओरे हुआ इस साइड देखो कितने सारे हैं। तो सामने बापूजी बैठे हुए हैं और बापूजी सबको टॉफ़ी दे रहे हैं, वैसे ये जो टॉफियां दी हैं वो चाची ने दी थी और बापूजी बस वहाँ से फेंके जा रहे हैं और दोनों ने पता नहीं कितनी टॉफी निकाली है, छीना झपटी चल रही दोनों में। और ये देखो पहले बहुत बड़ी बड़ी आती थी इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले 1 रुपए की 4 आती थी जाएंगे भाई, अब 1 रुपए की 1 आ रही है वो भी देखो ये, वाह भाई वाह, उसके लिए भी तो लड़ाई कर रहा है। बिनो भाई साहब मिस्त्री लोगों को भी सबको टॉफी बांट रहे हैं अभी,
और टॉफी के बाद अब भाई साहब लेके आए हैं लड्डू, जिसके लिए भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन वो लड़ाई मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो मिस्त्री लोगों को यहाँ पर लड्डू खिलाए जा रहे हैं और अंकित भाई इंतजार में कि कब वो लड्डू का डब्बा मेरे पास आए। हाँ मैं नहीं खाता हूँ। अंकित भाई को खिला दे यार, भाई बहुत टाइम से सोच रहा था कि कब आएगा डब्बा। सब खा लो, थैंक यू, लड़ाई करो लड़ाई। आता है, आता है। आदमी चिपा के रखा हुआ बोल रहा हूँ अभी चीज लग गया दे दे रे भाई। दे 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 दे। दोस्तों शाम के 7 बजने वाले हैं और मिस्त्री लोगों की अभी छुट्टी हो गई है और अभी जो जाल है वो उन्होंने बांध लिया है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। तो कल मौसम सही रहा तो कल ही हमारी छत पड़ने वाली है और जितना काम बचा हुआ है वो सुबह सुबह निपटा देंगे। बोल रहे हैं कल सुबह 6:30-7 बजे वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो बाकी कल का क्या होगा वो कल देखा जाएगा। और अभी तो मिस्त्री लोग चले गए हैं घर की ओर। और हमारे घर की इंजीनियर हमारी माँ भी पहुँच गई है। पहुँच गए, ऊपर ऊपर कहाँ से जाऊँ मैं, ऊपर देखता हूँ मैं कैसे बना रखे हैं। ऊपर क्यों जाएगी अभी, वहाँ देखता हूँ मैं घरना कैसे बनाया अभी। घरना कैसे बनाया फिर से, हाँ अब जाने के लिए है नहीं, या तो यहाँ पे ईंटों का गठा लगा। देख लिया तूने, चोर बीम देख लिया तूने, कहाँ है चोर बीम, सब देख लिया मैंने, एक यहाँ पे नहीं रखा। चलो चलो घर चलो, अभी जाने की कोशिश मत कर, वहाँ पर है नहीं वहाँ जाने के लिए। और आजकल पानी की वैसे कुछ भी कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पानी तो रखना ही पड़ेगा पैकअप के लिए। हाँ ये वाला भी भर के रख देते हैं क्योंकि दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन सुबह सुबह भरने में और टंकी से मतलब सीधे लाने से अच्छा है शुरुआती जो मसाला है वो इससे बन सकता है, नहीं तो फिर पाइप से जो भी होगा देखते हैं, लेकिन बैकअप तो अपने पास होना ही चाहिए। तो चलो अब यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, अब चलते हैं घर के लिए। तो लगभग देखिए अंधेरा हो ही गया है और अभी घर जाते जाते थोड़ा भूख लग गई है, तो भूख मिटाने के लिए आजकल लगभग हमेशा मैं आड़ू खा रहा हूँ क्योंकि आजकल ताज़े ताज़े आड़ू हो रखे हैं और धीरे धीरे पकने भी चालू हो गए हैं। वैसे पूरे पके में भी उतना आनंद नहीं आता है जितना मैंने बताया था, कच्चे खाने में आता है और उनके साथ पहाड़ी नमक हो जाए तो मज़ा ही कुछ और है, लेकिन रास्ते में तो नमक मिलेगा नहीं तो ऐसे ही खा लेते हैं। और चाची जी ठीक हो? हाँ ठीक हो, दर्शन ठीक है, दर्शन दुर्लभ हो रखे हैं। अरे क्या है, तो गोंगो जो जा रहा था मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पर रहूं। तुम भी जाओ ना जरा, कहाँ जाऊंगा यार मैं, कहीं जाऊँ नहीं यार। तुम खाली घास के ले जाओगे और क्या करेंगे। और सब बढ़िया? हाँ ठीक ठाक। और देर हो गई आज? अरे यार तथी हो रहा है, नीचे जाना ऊपर आना, एक ही साथ रखो आना पुनु को आना, एक ही साथ रखो। अरे यार कहाँ है यार, था जगह नहीं यार। हाँ वैसे भी तो तुमने अलग अलग कर रखा है, चाचा ने वो पालने वाले, तुम क्यों जा रहे हो तो आज दोनों जगह, आज दोनों जगह क्यों गए? गरीब है तो मैंने कहा मैं आज मैच है। ठीक है तब है, आपने जाना है मैंने नहीं जाना है। हेलो बोटी, हेलो कैसे हो बोटी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गांव के कोई भी लोग आजकल वीडियो में ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, क्या बात है, जैसे कि चाची नहीं दिख रही है, साथ साथ में छोटे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। तो आजकल हमारी इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है कि हमारा बस एक ही काम रहता है, अपने घर पे आ रहे हैं और सीधे
नीचे मकान का जहाँ पर काम है वहाँ पर जा रहे हैं और रोड पे जा रहे हैं। फिर ऐसे ही मैं पूरा मतलब आज का शेड्यूल ऐसे ही हो रखा है, इधर से उधर उधर से उधर, कहीं भी गांव में इधर उधर नहीं जा रहे हैं। और आजकल गांव में भी सब लोग घास के लिए जंगल जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो घास है वो आजकल जंगलों में हरी भरी रहती है, मानसून के टाइम पे खूब सारी घास होती है, तो चाची लोग भी सुबह चले जाते हैं। और बाकी बहुत जल्द जैसे ही हमारा काम थोड़ा ख़त्म तो बहुत जल्द जैसे ही हमारा जो काम है वो धीरे धीरे पूरा कंप्लीट होता रहेगा, तो उसके बाद तो मतलब गांव ही घूमना है और आप लोगों को भी घुमाना है, तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और वैसे मैं बोल ही रहा था ना बहुत सारे ट्रैक अभी करने हैं मुझे, तो आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि ट्रैक अभी थोड़ा रुक जाओ, घर का काम एक बार निपटा दो। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ, आजकल मानसून का टाइम भी है, थोड़ा डर भी है, रास्तों में मतलब लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं यात्रा पे आजकल नहीं जाने वाला हूँ। थोड़ा टाइम के बाद जैसे अपना काम निपटता है, जैसे ही जो मानसून है वो धीरे धीरे यहाँ से जाता है, तो उसके बाद देखेंगे यात्रा भी और बाकी पूरा गाँव भ्रमण करेंगे, सबसे आपकी मुलाकात अच्छे से कराएंगे और बीच बीच में दिखते रहेंगे, तो वैसे तो आपकी कराते रहेंगे। तो यहाँ पर चाय बन के तैयार है, तो मस्त चाय का आनंद लेते हैं। और मौसम के हाल चाल थोड़ा फिर से गड़बड़ लग रहे हैं, तो रात भर भी नींद आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं, क्योंकि कल बारिश नहीं आनी चाहिए और कंट्रोल हमारे हाथ में कुछ है नहीं, बस वही कर सकते हैं हम प्रार्थना कि बारिश ना आए। एक और अर्जी लगानी पड़ेगी इंद्रदेव से कि बारिश कल ना आए, तो देखो क्या होता है, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन होता है ना कि क्योंकि आपकी बार जो छत डालने आएंगे वो मतलब श्रीनगर से आएंगे, तो वो यहाँ आएंगे और उनका भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मौसम सही नहीं रहा तो फिर उनको रुकना पड़ेगा और फिर एक दिन उनको और ज़्यादा मतलब पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके एक दिन में भी होता है नहीं होता है काम, मतलब बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन देखो क्या होता है। फिलहाल एक बार चाय तो पी लेते हैं। और आज बारिश आई तो स्क्रीन पे देखिए माँ आज एक बार फिर अपने पहाड़ी किचन हट्टी के अंदर बैठ के रोटी बना रही है। बाहर ही बनाना था मैंने, आफत कौन करता है नी बाहर पे आग जलाने का, आफत की वजह से। वैसे बाहर कितना ठंडा हो रहा है आज, आज राके क्या ठंडा होगा, हाँ क्यों नहीं हो रहा, कितनी ठंडी हवा चल रही है, जब आग जलाएंगे हम तो आग आग आगे रहना हमें क्या ठंडा होगा, हवा आग के आगे आएगी, हवा हवा चल रही बहुत तगड़ी बाहर पे। और कल तो छत है तुम्हारी, छत है पर टेंशन बहुत ज्यादा है बारिश की, तैयारी क्या है तब? हाँ, क्या है तब तैयारी, कोई आया भी नहीं, रोटी बनाऊंगा मैं जब तक बनेगी। 20 लोग हैं बोलो। हाँ। तो माँ को कल सुबह सुबह 100 रोटी बनानी है, वो भी कम से कम अगर 5 खाएगा कोई तो मदद हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। चलो कल सुबह जितनी रोटी बनेगी वो बनेगी, फिलहाल तो अभी हमारे लिए कितनी 30 रोटी ले भी होगा, 30 रोटी बनी जाती है हमारी लगभग हमेशा, हमेशा नहीं बनते 30 रोटी, कभी 25 कभी 20 ठीक है। तो मेरी फिक्स है, मेरी भी 4 फिक्स है, मेरे से ज्यादा खाती है माँ, 5 फिक्स है मेरी, मेरे से ज्यादा क्यों खाती है, खा जाते तो क्या करो खा जाती है तो क्या करो। तो चलो जैसे माँ बोल रही है कि टेंशन तो है ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बारिश का मौसम बन रहा है और बारिश आ भी सकती है, तो देखो जो होगा देखा जाएगा। और माँ को दूसरी टेंशन भी है कि सुबह उठ के कम से कम बोल रहा हूँ मैं 100 रोटी तो बनानी ही है, नहीं तो ज़्यादा भी बनानी पड़ सकती है, क्योंकि 5 रोटी तो आजकल नॉर्मली कोई भी खा लेता है, 6-7 खाएंगे तो फिर उतना ही ज़्यादा हमको बनाना पड़ेगा, कोई 6-7 खाएंगे तो कोई 4-4 ना, 5 से कम कोई नहीं खाएगा, सुबह सुबह नाश्ता करना है फिर काम करना है छत डालना है, तो नाश्ते में मैं बोलूंगा ना 4-4 रोटी खाना सब ऐसा नहीं होता है भाई, नाश्ता पावरफुल होना चाहिए। फूफू बोले मैं एक टाइम वैसे ही सोच रहा था पर फिर मैंने बोला कि वो भी अच्छा नहीं। कौन तेरे फूफू बोले थे कि वहाँ पे वो बंद बुन लाते हैं सुबह के लिए, अच्छा उसमें हो जाता है, तो होता होगा कहीं पे मतलब सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय बंद खाना लेते होंगे, लेकिन नहीं मैं मेरा मानना ये है कि सुबह अच्छा खासा होना चाहिए नाश्ता, उसी के बाद काम होगा, भूख रहना 5 बजे भी पड़ सकता, तो जैसे हम उसका लोगों का शाम 6-6:30 बजे तक पड़ा था ना, तो ऐसा पड़ेगा तो सोचिए बंद बिस्किट में कैसे होगा, क्योंकि वो खाना तभी खाते हैं जब छत पूरी डाल देते हैं, तो देखो कल क्या होता है। फिलहाल अब थोड़ा सोचते हैं कल के बारे में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और बाकी तो हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वही काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारा भी तो रहता है ये कई काम होते हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं। और आज की जो वीडियो है
उसको बस यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।